हम अपने सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि लिवर एब्सेस अगर 500 ग्राम से कम है तो उसको मवाद निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो दवाइयों के द्वारा भी ठीक हो सकती है, ग्लूकोज के द्वारा ठीक हो सकती है, उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो। और ये देखिए, इस मरीज का लिवर एब्सेस अब साइज में छोटा भी हो गया है और ये पहले से ठीक भी हो गया। गुड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता बोल रहा हूँ और आज हम बात करेंगे एक लिवर एब्सेस की। ये एक फीमेल पेशेंट है जो कि हमारे यूट्यूब वीडियो को देख करके आई है और इसके डॉक्टर का कहना है कि इसके लिवर में एक फोड़ा है और ये चाहती है कि इसके लिवर के फोड़े से पानी को निकाल दिया जाए। जब हम इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम पाते हैं कि लिवर के अंदर वाकई में एक फोड़ा है और यू कैन सी दैट देयर इज ए स्फेरिकल मास इन द लिवर विच इज हाइपोइकोइक एंड दिस वेरिकल मास इज नथिंग बट दी लिवर एब्सेस। आमतौर पर लिवर में जो फोड़े होते हैं वो आदमियों में बनते हैं क्योंकि वो शराब ज्यादा पीते हैं, लेकिन ये प्रेग्नेंट पेशेंट है और इस प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर फोड़ा लिवर के अंदर बन गया है और ये पेशेंट चाहती है कि हम इसके फोड़े के अंदर से मवाद निकाल दें। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसके फोड़े में अभी पानी पूरी तरह से बना नहीं है, मवाद अभी गाढ़ी मवाद है और इसको निकालने की अगर हम कोशिश करेंगे तो ये निकलेंगे, उसको खामखा दर्द होगा। अतः हमने इस पेशेंट को कहा है कि अभी ये थोड़ा सा वेट करे, परेशान ना हो, ये मवाद इसकी दवाइयों द्वारा भी सूख जाएगी। पर अनफॉर्चुनेटली ये क्या हुआ, इस पेशेंट को अभी इसने अल्ट्रासाउंड करवाया था 6 दिन पहले और उसके अंदर एक प्रेगनेंसी थी 6 हफ्ते की। अनफॉर्चुनेटली इस पेशेंट को इस एब्सेस की वजह से अबॉर्शन हो गया और आप देख सकते हैं इसके यूट्रस के अंदर, इसकी बच्चेदानी में कुछ पीसेस पड़े हुए हैं जो कि पुरानी प्रेगनेंसी के हैं और इसका भी इलाज हमें साथ के साथ करना पड़ेगा। पर फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, शी इज ए यंग पेशेंट, शी विल कंसीव अगेन, बट द ट्रीटमेंट ऑफ द लिवर एब्सेस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड आई होप दैट शी बिकम्स। डॉक्टर एस के गुप्ता और ये हमारी पेशेंट है जो कि पिछले हफ्ते हमारे पास आई थी, इनको इनके डॉक्टर ने कहा था कि इनके लिवर में मवाद का फोड़ा है और ये चाहती थी कि इसका पानी निकाल दिया जाए, लेकिन हमने इस मवाद के फोड़े को बिना पानी निकाले सुखा दिया है, इसकी काफी मवाद सूख गई है, इनका बुखार कम हो गया है और इनको अब पेट में दर्द भी नहीं है। हाँ बताइए, क्या ये आपको पहले से आराम है? जी सर। जोर से बोलिए हाँ या ना। जी सर। आराम है? जी सर। अच्छा, अगर आपको बुखार अब होता है कि पहले से काफी कम होता है बुखार? कम हो गया। भूख लगने लगी है पहले से? आप ये बताइए कि आपकी यहाँ आकर के मवाद निकाली गई कि नहीं निकाली गई? नहीं सर। आपने केवल दवाइयाँ खाई या ग्लूकोज वगैरह भी चढ़वाया? सब पिए। हाँ, आपने केवल दवाइयाँ खाई हैं, गोलियाँ खाई हैं या ग्लूकोज वगैरह भी चढ़वाया? गोलियाँ खाई हैं, गोलियाँ पी हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगा सर। आपको आराम है? ऑल राइट विद द ट्रीटमेंट। In case you like this video, please do subscribe to our channel. Do not forget to press the like button and share the video among large number of friends. Thank you very much.